सब्सक्राइब करें आरके सर्विस सेंटर चैनल को, दबाएं बेल आइकन का बटन अपकमिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम है यूट्यूब चैनल आरके सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है फ्रेंड। और आज की वीडियो में फ्रेंड मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि जो डिस्क ब्रेक में यानी कि बजाज पल्सर बाइक है, जैसे कि देख रहे हो आप कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यानी बाइक कौन सी है। फिलहाल बजाज पल्सर बाइक है, उसके डिस्क ब्रेक की प्रॉब्लम जो होती है यानी कि डिस्क ब्रेक में प्रॉब्लम जो होती है वो क्यों होती है और किस वजह से प्रॉब्लम होती है, यानी डिस्क ब्रेक नॉट वर्किंग प्रॉब्लम जो ब्रेक नहीं बनते। तो ठीक है फ्रेंड, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। यानी कि मैं डिस्क ब्रेक का जो पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो ये दिखाऊंगा और क्या क्या काम करते हैं ये बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलो वीडियो स्टार्ट। तो जैसे देख पा रहे हो आप फ्रेंड के ये इसमें ये मास्टर सिलेंडर किट है, यानी कि इसमें जिसमें डिस्क ब्रेक ऑयल पड़ता है और यहाँ से ब्रेक बनते हैं। देख रहे हो आप कि इस साइड से दिखने का कुछ इस हिसाब से है, जहाँ पर कोई दो सुराग हैं, एक काफ़ी बड़ा सुराग होता है, एक छोटा सुराग होता है, जिससे डिस्क ब्रेक बनते हैं। जैसे कि ये एक पंप हो गया, ये किट हो गई, यानी कि जिससे डिस्क ब्रेक लगते हैं, मास्टर सिलेंडर किट, यानी कि इसको पिस्टन भी कहते हैं, एमसी किट भी कहते हैं और ब्रेक किट भी कहते हैं। फिलहाल अलग अलग मैकेनिक के अलग अलग नाम होते हैं। तो ये इसकी किट है और ये स्प्रिंग है और ये जो किट है इसमें फ्रेंड देख रहा हूँ आपके ये बजाज पल्सर ये मॉडल है। देख रहा हूँ आपके ये काफ़ी अच्छा मतलब मीडियम मॉडल है, यानी कि ना ज़्यादा टॉप मॉडल है ना ज़्यादा डाउन मॉडल है। तो ये 2012 या 13 मॉडल होगा समथिंग। और इसमें ये जो किट निकली है वो इस हिसाब की निकली है कि ये जो ओल्ड मॉडल में यही किट लग कर आती थी और यही इसमें 2012-13 मॉडल पल्सर है, इसमें भी यही किट है। ये किट हो गई, ये स्प्रिंग हो गया स्मॉल स्प्रिंग, और कुछ मॉडल में काफ़ी हार्ड स्प्रिंग आता है, थोड़ा बड़ा स्प्रिंग भी होता है, तो वो इसमें नहीं है, ये पुराने मॉडल का है। इसमें रबड़ ये है, तो रबड़ इस हिसाब की है फ्रेंड, ये अभी ख़राब नहीं हुई है प्रॉपर। अक्सर कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि रबड़ ख़राब हो जाती है बहुत बुरी तरीके से और फूल जाती हैं ये, और ये मार्केट में उपलब्ध भी कम होती हैं, ये बहुत गलत बात है। मैकेनिक भाई बहुत परेशान होते हैं इस वजह से, और डिस्क ब्रेक लीक होते हैं और डिस्क ब्रेक लीक होता है और ऑयल लीक होने की प्रॉब्लम होती है तगड़ी इस रबड़ ख़राब होने के कारण। ठीक है फ्रेंड, तो अगर ये रबड़ ख़राब है तो आप मार्केट में जाएँ, मार्केट से ख़रीद के नहीं डाल दें तो अच्छी बात होगी और ब्रेक भी बढ़िया आएंगे। ठीक है फ्रेंड, इसमें रबड़ मैंने अलग नहीं करी है, ढक्कन होता है यहाँ पर, कोई ऊपर का कैप जो यहाँ पर लगता है इस पोजीशन में। ठीक है, ये इस वजह से ये जो है ये यहाँ पर लकवा होता है और यहाँ पर हैंडल होता है, तो ये टाइट करने के यानी कि इसको रोकने के लिए ये योग होता है। और इसमें दो बोल्ट हैं 8 नंबर के और 10 नंबर की चूड़ियाँ हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड, ये जो बोल्ट हैं ये 12 नंबर के कैलीपर के बोल्ट हैं। ये जो अभी कैलीपर इधर को आप देख रहे हो कि पहिए से अलग है कैलीपर, इसके जो ब्रेक की कंडीशन है फ्रेंड, ब्रेक बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, ये बरसात में चली हुई गाड़ी है। और इसमें जो पैड होते हैं, जो मटेरियल होता है ब्रेक शू यानी कि लेदर जो होते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये होता है, ऐसी प्रॉब्लम जो ऐसी कंडीशन में जो प्रॉब्लम होती है फ्रेंड, ये जो ब्रेक की थाल होती है ना ये ख़राब हो जाती है। तो आप जब कोई भी अपनी बाइक की सर्विस कराएं या फिर कहीं ब्रेक में कहीं प्रॉब्लम आए तो आप इसकी ब्रेक पैड ज़रूर चेक करें, आवाज़ आ रही हो तब, यानी कि जब गाड़ी चलती है ना तो खर 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 आवाज़ आती है इसमें, जैसे लोहे से लोहे टच होता है ना ऐसी आवाज़ आती है। तो ब्रेक पैड इसके ज़रूर चेक करें। और अब मैं इसके ब्रेक पैड भी नहीं बदलूंगा, बाकी यहाँ पे एमरी पेपर लगा के इसको क्लीन करके अच्छे से फिट करूँगा। बाकी इसकी जो ब्रेक की प्रॉब्लम थी, ब्रेक की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, क्योंकि इसकी जो किट है ये किट चेंज करूँगा। पहले तो मैं इसको रिपेयर करके यानी क्लीन करके अच्छे तरीके से सफाई करके इसको फिट करूँगा, अगर ऐसे नहीं बनती बात तो फिर इसकी किट ये जो है एमसी किट इसको चेंज करूँगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे ब्रेक लगने की प्रॉब्लम जो होती है यानी कि ब्रेक लाने की प्रॉब्लम होती है वो एमसी किट से होती है। ये इसके ऊपर फ्रेंड लॉक लगवा होता है जो यहाँ पर इस हिसाब से, ये जो यहाँ खांचा देख रहा हूँ आपके ये यहाँ पर लगवा होता है इस जगह पर, यानी कि इसके अंदर ये किट पड़ती है एमसी और इसके ऊपर से फिर ये लॉक लगता है। ठीक है, ये जो है फ्रेंड ये लीवर का बोल्ट है, लीवर वो रहा है इसका उधर को, यानी कि लीवर ये है, लीवर की कंडीशन काफ़ी अच्छी है फिलहाल, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें होल काफ़ी बड़ा नहीं है, मीडियम है। इसका बोल्ट डाल के देखते हैं तो बोल्ट की कंडीशन भी काफ़ी सही है, यानी कुछ गाड़ियों को ऐसी सिचुएशन होती है कि बोल्ट काफ़ी लूज हो जाता है, लूज होने से फिर ब्रेक प्रॉपर काम नहीं करते हैं। अगर ये बोल्ट लूज आ रहा है इसमें तो लीवर आप चेंज कर दें, बोल्ट बहुत कम मात्रा में ख़राब होते हैं, अक्सर लीवर ही ख़राब होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये जो है स्प्रिंग, ये किट के साथ स्प्रिंग और ये जो है यानी कि जो रोड टाइप की है आपको, यानी कि इससे जो ब्रेक लीवर होता है, जैसे ब्रेक लगाने के बाद जो बैक होता है लीवर, तो वो काफ़ी मदद करता है इसमें, यानी कि इससे ही बैक होता है ब्रेक लीवर जो है। ठीक है, और ये यहाँ पर लगता है, ये भी यहाँ पर लगता है लीवर लगाने के बाद, ओके। और बाकी इसमें जो पेच हैं, ये जो पेच हैं चारों के, ये पेच जो हैं ये इस कवर के हैं, ओके फ्रेंड। तो बाकी सारा डिस्क ब्रेक का जो मटेरियल है, अगले डिस्क ब्रेक का मटेरियल जो ऊपर जो हैंडल में लगा हुआ होता है वो यही होता है फ्रेंड। जो काफ़ी जो प्रॉब्लम होती है यानी कि डिस्क ब्रेक ना आने की प्रॉब्लम होती है वो होती है इस एमसी किट से। एमसी किट ख़राब है तो डिस्क ब्रेक नहीं आएंगे, यानी कि जो बारीक बारीक आप रबड़ देख रहे हो, यानी कि इसमें रबड़ है, ये काफ़ी बारीक बारीक रबड़ है इसमें, और ये हल्की सी भी डैमेज हो जाती है यहाँ से, यानी कि फट जाती है, कट जाती है या फिर टूट जाती है या फूट जाती है। तो ऐसी
ऐसी सिचुएशन में जो होते हैं डिस्क ब्रेक नहीं आते हैं। और अभी फ़िलहाल ये इसकी रबड़ की जो किनार है, किनार टूटी या फूटी या कटी फटी नहीं है, तो अभी मैं इसको क्लीन करके अच्छे से साफ़ करके और मैं यही फिट करके देखूंगा। अगर ब्रेक आएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और अगर ब्रेक में हल्की फुल्की प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं इसकी किट ये चेंज करूंगा, नई किट डाल के ब्रेक प्रॉपर सेट आएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड, आप समझ गए होंगे सारी बातें डिस्क ब्रेक की जो जितनी भी बातें हैं। तो ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, और कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ओके फ्रेंड।